सो गाइज, आज फिलहाल है फ्राइडे और सुबह के 11 बज चुके हैं। टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, बट फील्स लाइक 1 डिग्री है गूगल पर। और मेरे पीछे आप अगर पेड़ वगैरह देख रहे हो तो सारे जो पत्ते हैं वो रेड हो गए और अभी गिर रहे हैं बिकॉज फॉल है। तो अभी फिलहाल मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। सुबह मेरे 2 लेक्चर हो गए, 1 लेक्चर बचा हुआ है, वो लेक्चर मैं करूँगा और उसके बाद मैं रॉकेटरी क्लब जाने वाला हूँ आज। तो आपको मैं आज रॉकेटरी क्लब वगैरह भी दिखाऊंगा। तो अभी सबसे पहले जाके डाइनिंग हॉल में नाश्ता करते हैं। स्पाइसी चिकन सैंडविच और थोड़ा सा पावर एंड। इसके बाद लाइब्रेरी जाऊंगा, 1 लेक्चर बचा है वो उधर करूंगा फटाफट, और उसके बाद इंजीनियरिंग ब्लॉग। आप लोगों ने अब तक इंजीनियरिंग ब्लॉग देखा नहीं है तो वो आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सो बेसिकली गाइस, लाइब्रेरी में मास्क निकालना अलाउड नहीं है, तो मैं मास्क निकाल के बात नहीं कर पाऊँगा बिकॉज कोविड के वजह से। तो अभी फ़िलहाल मैं मेरा लेक्चर वगैरह करूँगा थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद मेरा लेक्चर, तब तक लाइक ऐसे ही कुछ असाइनमेंट करूँगा नहीं तो टाइम पास करूँगा। उसके बाद लेक्चर के बाद इंजीनियरिंग ब्लॉक जाएंगे और आपको मैं रॉकेटरी क्लब बताऊँगा, कुछ पुराने रॉकेट्स बताऊँगा। बेसिकली हमारे जितने भी रॉकेटरी क्लब मीटिंग्स थे वो सब ऑनलाइन हो रहे थे, बट कुछ जो न्यू लाइक यू नो मेंबर्स है उनके लिए हमने ये वाली जो आज की जो मीटिंग है वो इन पर्सन रखी है, ताकि वो लोग आए और रॉकेटरी क्लब वगैरह देख सके और कुछ हम लोग रॉकेट्स वगैरह बनाएंगे सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करके। तो ट्राई करेंगे कि लाइक यू नो उनको हैंड्स ऑन कुछ एक्सपीरियंस मिले, और आप लोगों को भी मैं रॉकेटरी क्लब का जो हमारा जो रूम है वो मैं आपको बताऊँगा वर्क स्पेस। सो गाइज, अभी फ़िलहाल मैं बस स्टॉप पे रुका हुआ हूँ बस के लिए। बस बेसिकली बाहर ही है, बट बस के अंदर ड्राइवर नहीं और ना ही कोई पैसेंजर है। तो फिर अभी मैं बस वेट कर रहा हूँ कि जैसे जो ड्राइवर है वो आएगा, दरवाजे खुलेंगे और बैठ के मैं इंजीनियरिंग ब्लॉक जाऊँगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा ठंडी में मुझे लाइक वॉकिंग नहीं जाना है इतनी दूर। सो गाइज, फाइनली बस ड्राइवर आ गया है, अभी हम लोग जाएंगे और बस में बैठेंगे। हेलो। सो गाइस, बेसिकली कैंपस के ऊपर 2 टाइप की बसेज है, एक है गोल्ड लूप और एक है ब्लू लूप। बेसिकली दोनों टाइप की जो बसेज है वो सेम स्टॉप्स पर से ही जाती है और सेम स्टॉप्स पर रुकती है, और स्टूडेंट्स के लिए ही है, बट डिफरेंस है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। बेसिकली एक घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इससे बस जो स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन और ईजी हो जाता है। तो गाइस, अगर अभी आपने वो येलो वाली एकदम लंबी सी बस देखी होगी तो बेसिकली वो थी गोल्ड लूप, तो बस या वही थी गोल्ड लूप। थैंक यू, यूट्यूब। सो गाइस, बेसिकली अभी मैं इंजीनियरिंग ब्लॉक आ चुका हूँ। अभी फिलहाल अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है, क्योंकि रॉकेटरी क्लब का जो वर्क स्पेस है वो अंडरग्राउंड है, तो अभी अंदर जाके नीचे जाएंगे। Hi there, what's up? After a long time. Yeah. Say hi to my vlog. What's up? Hit Starbucks? Yeah. Around the camera. Oh dude, oh, yeah. Let me get a panning shot.
Fallout, right? Oh yeah, dude. Can I put this in the vlog? Yeah. Probably not. We're not supposed to be doing that. So guys, basically ये है हमारा workspace और यहाँ पे है कुछ 3D printers. इसके ऊपर अभी काम चल रहा है. वहाँ पे एक 3D printer है. उधर पीछे दो 3D printer है जिनके ऊपर parts print हो रहे हैं. यहाँ पे ये लोग कुछ rockets बना रहे हैं. थोड़ा सा electronic components वगैरह पड़े हुए हैं. और अभी मैं आपको बताऊँगा हमारे club के कुछ पुराने rockets. So basically ये कुछ पुराने rockets है इधर जो उन लोगों ने अलग अलग कंपटीशन के लिए लॉन्च किए थे. तो अगर आपने मेरे पुराने दो वीडियोस देखे तो आपने उसके अंदर ये वाला जो एक सब स्केल लॉन्च किया था हमने, ये उसका छोटा वो वाला वर्जन है जो मेन रॉकेट का छोटा वर्जन था. और उसी का बड़ा वर्जन ये वाला इधर. और बेसिकली और कुछ छोटे मोटे रॉकेट्स इधर पड़े हुए हैं. अलग अलग इधर थोड़े बहुत पार्ट्स. इधर एक ड्रोन है, ये एक रोवर का व्हील है और कुछ पेंट्स सप्लाईज इनके अंदर. तो या सो बेसिकली यही है हमारा पूरा वर्क स्पेस. इधर हम लोग काम करते हैं. जो भी आइडियाज वगैरह होगी उनको लाइक यू नो हम लोग इसी रूम के अंदर पूरा एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को और पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं और उसके बाद लॉन्च पे जाते हैं. Hey Chris. Yo, what's up? I have a question for you. Sure. What kind of rocket are you building? Square rocket. Why? Have you ever seen a square rocket? No. It's flying. Okay. बस अभी निकल रही है और निकल गई ऑलरेडी. वो दिख रही है उधर आपको सिग्नल पर. अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा दूसरी बस के लिए. सो गाइस बेसिकली अभी मैं वापस से डॉम पे जा रहा हूँ. डॉम के पहले मैं अपने दोपहर का खाना खाने डाइनिंग जाऊँगा. बेसिकली क्लब में कुछ एक दो नए मेंबर्स थे उनसे जाके मिला और पुराने एक प्रोजेक्ट था उस पर थोड़ा सा काम किया और जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया. तो यही था इस वाले ब्लॉग के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपको मजा आया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.